हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप घर पे ब्लीच कैसे कर सकती हैं। ब्लीच करने का सही तरीका बताऊंगी। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को सवाल रहते हैं कि ब्लीच हमें कितने दिन में करना चाहिए, कितनी एज में करना चाहिए, और ब्लीच करने के बाद हमें तुरंत फेशियल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और ये सवाल भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सही तरीका ब्लीच करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आपको ब्लीच कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे फेम की गोल्ड ब्लीच यूज़ करना बताऊँगी। तो ये फेम की ब्लीच है गोल्ड, और ये छोटी डिब्बी है, एक फेस के लिए अच्छी रहती है। अगर आपको कई फेस करने हैं, कई लोग साथ में करना चाहती हैं, तो आपको इससे बड़ी डिब्बी लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने छोटी ली है, तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या निकला है। तो यहाँ पर ये है ब्लीच, फेम गोल्ड ब्लीच है, और ये एक्टिवेटर दिया हुआ है एक चम्मच के साथ में। ब्लीच मिक्स करने के लिए एक्टिवेटर और ब्लीच को कैसे मिक्स करना होता है इससे, तो वो है। और यहाँ पे इसमें अगर आप पहली बार ब्लीच यूज़ कर रही हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यूज करना है, कितनी देर यूज करना है, तो इसमें सारा दिया होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कटोरी लेनी है। यहाँ पे आप कांच की कटोरी ले सकती हैं, कोई फाइबर वाली ले सकती हैं, लेकिन स्टील की कटोरी आप ना लें। तो इसमें हमें अपना ब्लीच निकाल लेना है सबसे पहले, तो ऐसे निकाल लेना है। और अब यहाँ पे एक्टिवेटर इसमें कितना डालना है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। एक्टिवेटर ना ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्टिवेटर इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो इतना एक्टिवेटर हमें लेना है और इसमें डाल देना है इसे। और एक्टिवेटर और ब्लीच को हम अच्छे से मिक्स करेंगे 4-5 मिनट से। तो यहाँ पे मैंने एक्टिवेटर और ब्लीच को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले हमें इसे चेक करना चाहिए, इसका पैच टेस्ट हमें करना है। तो इसे आप अपने यहाँ पे हाथ पे लगा के एक मिनट तक लगा के आप यहाँ पे देख लें। अगर आपको यहाँ पे भी लगा सकती हैं, आप कान के पीछे भी लगा सकती हैं, और आप अपने चिन पे भी लगा सकती हैं। अगर आपको कोई एक मिनट तक लगा के देखें, अगर आपको कोई इसमें जलन हो रही है और या आपकी स्किन रेड हो रही है, दाने निकल रहे हैं, तो आप ये ब्लीच ना यूज़ करें, आपके लिए नहीं सही है। अगर ऐसा करने के बाद आपके स्किन पे कोई जलन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो इसे आप अपने फेस पे यूज कर सकती हैं। तो ऐसे लगा के हम पहले चेक कर लेंगे, तो अगर जलन नहीं हो रही है, तो इसे हम अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम अपने फेस पर लगाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्लीच अपना रेडी कर लिया है, और यहाँ पे मैंने अपने बालों पे फेशियल पट्टी लगा ली है। बालों को अच्छे से क्लिंजर लगा लिया है, जिससे कि आगे ब्लीच लगाते टाइम फेस पे बाल ना आए। और अब हमें क्या करना है, ब्लीच लगाने के पहले हमें आईब्रो छोड़ के और आँखों के आसपास छोड़ के और ओंठों को छोड़ के और यहाँ पे जो कान के पास से बाल होते हैं ना, छोड़ के अपने फेस पर ब्लीच लगाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी फिंगर से लगाऊँगी, और आप इससे भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उससे भी लगा सकती हैं। तो अब हम लगा लेते हैं अपने फेस पे। और आपको पूरे फेस पे एक पतली लेयर बनानी है। तो यहाँ पे फेस पे हो जाएगा आपके, और नेक पे हो जाएगा, इतना ही इसमें ब्लीच होता है। तो अच्छे से आपको पूरे फेस पे बराबर एक पतली लेयर बना लेनी है। और आपको ऊपर फोरहेड पे जो ऊपर बाल है वहाँ पे नहीं लगाना है, इस साइड आपको ये बाल छोड़ के ब्लीच लगाना है पूरे फेस पे। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से ब्लीच लगा लेना है। उसके बाद 20 मिनट बाद आपको 20 मिनट तक आपको अपने फेस पे ब्लीच रखना है। उसके बाद आपको टिश्यू पेपर से साफ़ करना है, और नॉर्मल पानी से आपको अपना फेस धुल लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा ब्लीच हो चुका है, जो फेस के बाल हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। तो ब्लीच को हम साफ़ कर लेंगे, तो हम इससे ब्लीच को साफ़ कर लेंगे पहले। अगर हम डायरेक्ट पानी से धुलेंगे तो हमारा ब्लीच अच्छे से नहीं साफ होगा, इसलिए पहले इससे साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लीच साफ़ हो चुका है, तो अब मैं इसे नॉर्मल पानी से धुल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ब्लीच हो चुका है, मैंने अपने फेस को नॉर्मल पानी से धुल लिया है, और आप देख सकती हैं फेस के बाल यहाँ पे
गोल्डन हो गए हैं जो फेस पे बाल हैं, तो बहुत ही अच्छे से हमारा ब्लीच हो गया है, तो मेरा फेस इस टाइम बहुत ही क्लीन लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ब्लीच इसी तरह करना चाहिए, और फ्रेंड्स आपको ब्लीच शाम के टाइम करना चाहिए, आप रात में कर सकती हैं, और ब्लीच करने के बाद आप धूप में ना निकलें, तो इसीलिए अक्सर अगर आप ब्लीच करना चाह रही हैं घर पे तो आप शाम के टाइम ही करें, रात में कर सकती हैं। और ब्लीच करने के बाद आपको कुछ अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, कोई फेस वॉश कोई साबुन वगैरह आपको नहीं लगाना है, ऐसे नॉर्मल पानी से आपको फेस धुल के रखना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ब्लीच करने के बाद, और ब्लीच आपको एक महीने में करवाना चाहिए, एक महीने बाद ही आप ब्लीच करें।